इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए ले चलते हैं आपको विधानसभा, जहां कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किया है, कृपया करके इस पे आप ध्यान जरूर रखेंगे कि किन्हीं कारणों से डिले हो रहा है, वो कारण फिर से ना हो। धन्यवाद। अगला प्रश्न जोगिंदर सिंह आवाना। प्रश्न संख्या 458। अध्यक्ष महोदय, खंडिक जी, हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की पालना में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हेतु ग्राम खटोटी तहसील नदवई की 17.81 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी। निगम द्वारा गठित स्थल चयन समिति द्वारा ग्राम खटोटी की भूमि का मौका दिनांक 2/7/2019 को देखा गया। स्थल चयन समिति द्वारा ग्राम खटोटी की भूमि के राष्ट्रीय राजधानी परियोजना राजस्थान सब रीजनल प्लान में होने से मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के अनुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। स्थल चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की जांच कराने पर पाया गया कि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के राजस्थान सब रीजनल प्लान 2021 में इको सेंसिटिव जोन के नेचुरल कंजर्वेशन जोन में सम्मिलित है। राज्य सरकार की तरफ से NCRPB में आपत्ति दर्ज करवाई जा चुकी है। एवं विभागीय पत्र दिनांक 3/8/2021 एवं 16/8/2021 के द्वारा राज्य सरकार की तरफ से दर्ज करवाई गई आपत्ति की निरंतरता में अलवर व भरतपुर जिले की प्रभावित भूमि की विस्तृत ग्राउंड थ्रूटिंग रिपोर्ट भी NCRPB को प्रेषित की गई है। उक्त आपत्ति के क्रम में NCRPB स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है। स्वीकृति उपरांत नदवई क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा। खंड 2, नदवई के मास्टर प्लान 2011-2031 में औद्योगिक उपयोग भू उपयोग हेतु 112.53 एकड़ भूमि दर्शाई गई है। मास्टर प्लान में औद्योगिक भू उपयोग हेतु निर्धारित भूमि के अधिग्रहण करने हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानकारी चाहूँगा कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पिछले बजट में 2020 में ये घोषणा हुई थी रिको इंडस्ट्री की, और आज तक भी केंद्र सरकार को जो हमारा TTZ और इको सेंसिटिव जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये ज़मीन आती है, लेकिन बार बार राज्य सरकार द्वारा पत्र लिखने के बाद भी आज तक भी इसकी मंजूरी वहाँ से केंद्र सरकार से नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि मुख्य सचिव स्तर पर एक कमेटी बना के और इसमें एक समय निर्धारित हो, क्योंकि 2 वर्ष बीत गए हैं और बहुत कम समय बचा है। क्या कमेटी बना के ये संभव होगा कि एक समय सीमा इसकी निर्धारित हो जाए, जिससे कि वहाँ पे हजारों जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में दूसरे जिलों में जाके रोजगार के लिए बच्चे जाते हैं उनको वहाँ रोजगार मिल सके। क्या कोई इस तरह की कमेटी और समय सीमा कोई? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया, सरकार पूरे प्रयास कर रही है NCRPB से निकालने के लिए। हमारे अधिकारी लगातार संपर्क में है। जैसा आपने कहा, चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में भी जो अपनी बजट घोषणा है उनका रिव्यू होता है, उनको एक बार विभाग को कहेंगे, वहां जाकर इसको निश्चित रूप से वो इसको टेकअप करें और जल्दी इसकी कार्रवाई करें। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिनगर। प्रश्न संख्या 859। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 1, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र कपासण में चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार द्वारा 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 95 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र कपासण में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट वे पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र कपासन में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का नामवार एवं संस्थावार विवरण परिशिष्ट से पे संलग्न है। कण 2, जी हाँ, विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को PG पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी दंत के रिक्त पदों को स्थानांतरण से भरने के प्रयास किए जाएंगे। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर दिनांक 28/4/2020 को क्रमशः 6,704 एवं 4,770 पदों पर नियुक्ति दी गई है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र कपासन में नर्स श्रेणी द्वितीय के 12 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 22 पदों पर नियुक्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त नर्स द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के विरुद्ध 26 कार्मिक यूटीबी पर कार्यरत हैं। शेष पदों को आगामी भर्ती में प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किए जाएंगे। मेल नर्स प्रथम पदोन्नति का पद है। पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के बाद में 6 चिकित्सकों को पद स्थापन मंत्री जी ने किया, इनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रश्न लगने के बाद फिर भी कर दिया आपने, धन्यवाद। क्या मंत्री महोदय ये बताने का कष्ट करेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 6 CAC हैं, राशमी, अकोला, कपासन, भोपाल सागर, बांसवाड़ा, मंडिया। इनमें डॉक्टरों के 42 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 13 खाली पड़े, ये कब तक लगेंगे? और इनके अलावा इन 6 CAC के अंदर नर्स ग्रेड फर्स्ट, नर्स सेकंड, टेक्निकल असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, सीनियर लेब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, NM और क्लास फोर्थ के टोटल मिलाकर के इनके सारे पद स्वीकृत हैं 164, उनमें से 75 खाली हैं। 75 पद खाली हैं मंत्री महोदय, ये कब तक आप उनको पद स्थापन करने की कृपा करेंगे, ये जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है। माननीय सदस्य ने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने उप CSC के लिए पूछा और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए पूछा है। वहां इनके पद पूरे भरे हुए हैं, लेकिन जहां खाली थे फिर भी चाहे आपके प्रश्न लगाने के बाद हमने लगाए हों, हमारी मंशा साफ है कि हम पदों को भरना चाहते हैं और आने वाले समय में जो भी कमी है, वैकेंसी तो आपके सामने मैंने चार्ट में दे दी है सारी, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से इनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके पहले भी हमने डॉक्टर्स की भर्ती की है। अध्यक्ष महोदय, कई जगह डॉक्टर्स नहीं थे, डॉक्टर्स की कमी से हम जूझ रहे हैं, वहाँ लगाए गए हैं और जो कमी है सरकार उनको भी पूरा करेगी, और जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया होगी हम और भर्ती करने जा रहे हैं और डॉक्टर्स लगा देंगे। कुछ कमियाँ रहती है, हमेशा सब जगह रहती है, आपके समय में भी थी, लेकिन मैं भरोसा आपको आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ कोई कमी नहीं रहेगी और हमारी मंशा साफ है कि राजस्थान के हर चिकित्सा संस्थान में पर्याप्त मात्रा में नर्सिंग कर्मचारी लगे, चिकित्सक लगे और बाकी भी लगे। थैंक यू। अगला प्रश्न वाजिद अली। प्रश्न संख्या 460। निवेदन कि जो सब सेंटर हैं, अब सब सेंटर के ऊपर एक एनएम की पोस्ट है और वो ही नहीं है तो वो तो ताला लग के बंद है, ऐसी सब जगह कोशिश कर रहे हो। अगला प्रश्न वाजिद। संख्या 460, खंड 1, विधानसभा क्षेत्र नगर में भरतपुर केंद्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा गत 2 वर्षों में कुल 22,556 किसानों को राशि ₹56,94,56,000 का अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति वार किसान विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। ये वाजिब अली साहब, ये पूरे ले जाना। खंड 2, जी हाँ, गत दो वर्षों में 3 ग्राम पंचायतों से संबंधित 2 समितियों द्वारा ऋण वितरण नहीं किया गया, परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, सीकरी एवं जंजार ग्राम पंचायत जो सीकरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में है तथा थून ग्राम पंचायत जो थून ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में है, मैं रबी में 2021-22 में ऋण वितरण आरंभ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2 के संदर्भ में जो उत्तर में परिशिष्ट 2 पर जो जानकारी दी गई है, इसमें पहले पार्ट में समिति के व्यवस्थापक द्वारा ऑडिट पूर्ण नहीं कराना, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने की वजह से 2 साल तक लोगों को ऋण नहीं मिल पाया।
क्या सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की इस तरह के अधिकारियों पर, जिसे दो साल तक किसानों को वंचित रहना पड़ा। दूसरा, सीकरी ग्राम सेवा सहकारी समिति में संचालित मिनी बैंक में अनियमितता की जांच हुई, जिसमें व्यवस्थापक की अस्मिक मृत्यु, ये अस्मिक मृत्यु नहीं थी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने अपने आप को गोली मारी और करीब 10 करोड़ का घोटाला किया, करीब 200 आदमियों का, जिन्होंने मिनी बैंक में FD में पैसे जमा कराए। दो साल बाद आज भी वो लोग दर दर भटक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विश्वास लेना चाहता हूं, क्या नवजीवन कोष या लिक्विडेशन फंड के तहत उन लोगों को, गरीब लोगों को सरकार उनका जमा पैसा की पूर्ति करने की मंशा रखती है? इसकी जांच जारी है और ये जानकारी में आया था कि गोली मारकर हत्या की गई है और बैंक में 10 करोड़ रुपये का गबन भी हुआ है। तो इसकी विभिन्न स्तरों पर जाँच भी चल रही है, पुलिस भी जाँच कर रही है, विभाग भी जाँच कर रहा है और जल्दी से जल्दी उन किसानों को राहत देने का प्रयास किया जाए। मुझे दो साल से जांच चल रही है, जांच पूर्ण हो चुकी है, जैसे इसमें कहा गया कि जांच करवाई गई है, तो क्या दो साल बाद भी वो लोग दर भटके, उन्होंने FD में पैसा जमा कराया और बैंक में कोई रिकॉर्ड ही नहीं उस बात का, तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उनको पैसा देने की मंशा रखती है कि नहीं रखती? सर, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? जो सहकारिता के नियम है उसके अनुसार जांच होगी और उसके क्राइटेरिया में आएगा तो ही दे पाएंगे। आदर्श सोसाइटी में भी बहुत सौ के पैसे डूबे, उस प्रकार के बैंक हैं तो उसमें नियम में नहीं आता, सरकार की तरफ से तो भरपाई होगी नहीं। लेकिन अगर अवसायक लगाया गया और उसके मार्फत जो रुपये हो जाएगा उस परिसंपत्ति से उनको भुगतान किया जाएगा, अन्यथा तो कानून के अनुसार तो वो इस परिधि में नहीं आ रहे हैं। अगला प्रश्न, सुरेश रावत, प्रश्न संख्या 461। जी हाँ, माह अगस्त 2016 से दिसंबर 2020 तक लगभग 5000 अधिकारियों कर्मचारियों के लगभग 408 करोड़ रुपए के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान बकाया है। खंड 2, जी हाँ, भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों जैसे ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, पांचवा छठवां वेतनमान, एजियर इत्यादि का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय ही किए जाने की व्यवस्था निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर की जा सकेगी। निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति पर किया जाना संभव होगा। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि निगम की को प्रतिमा संचालन से प्राप्त होने वाली आय के विरुद्ध निगम के प्रतिमा संचालन व्यय अधिक है, इस अंतराल की पूरी वित्तीय सहायता की जाती है। निगम के लगभग 5000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लगभग 408 करोड़ रुपए के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान माह अगस्त 2016 से दिसंबर 2020 तक बकाया है। अतः निगम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को उक्त अवधि तक के बकाया पेंशन परिलाभ दिलाने हेतु सरकार प्रयासरत है। माह जुलाई 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों कर्मचारियों को मेडिकल एवं पुत्र या पुत्री के विवाह के आधार पर आउट ऑफ टर्न ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको बिना पेंशन परिलाभ के ही की मृत्यु हो गई, जिनको आज तक परिलाभ का लाभ नहीं मिला, बिना उसके मर गए? ये आपको मैंने वैसे इसमें दी है सूचना, ये जो संख्या आप पूछ रहे हैं, आपने नया क्वेश्चन क्रिएट किया, मैं आपको अलग से भेज दूंगा कितने बाकी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि रोडवेज के घाटे की पूर्ति हेतु क्या कार्य योजना है? अध्यक्ष महोदय, रोडवेज जितने भी देश में चल रही है जन कल्याणकारी संस्थाएं हैं और इसमें आप खुद जानते हैं अभी अभी सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया, अब जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको फ्री में करें, तो रोडवेज घाटे में आज से नहीं चल रही है, पहले से चल रही है। और उसका कारण ये है कि जहां भी इस तरह की कॉरपोरेशन चल रही है उसमें जन कल्याण मुख्य मकसद है। घाटे से उबारने की बजाय अभी फर्स्ट प्रायोरिटी सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उनको कैसे पेंशन का हम लाभ दे सकें, वहाँ कर्मचारियों की जितनी भी डिमांड्स थी उनको कैसे पूरी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस क्रिएट करने के लिए और नई बसें खरीदकर जनता को सर्विस दे सके, इसलिए सरकार समय समय पर इनको सहायता दे रही है। सरकार का मकसद रोडवेज के जरिए जो लाइफलाइन उसका नाम है जनता तक ज़्यादा सुविधा पहुँचाना है और उसका घाटा पूर्ति तब होगी जब ये स्थिति इस तरह की नहीं है। जन कल्याणकारी जिसने भी मेन मकसद ये सरकार का लाभ कमाना नहीं है, मेन मकसद सरकार का जन कल्याण के लिए लोगों को सुविधा देने के लिए रोडवेज का संचालन जरूरी है, इसीलिए हम करते रोडवेज का संचालन कर रहे हैं। अगला प्रश्न, एक प्रश्न रहेगा, अगला हो गया, जोगेश्वर गर्ग, प्रश्न संख्या 462।
माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक। जी हाँ, ये सही है कि सरकार ने मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन दिनांक 2/2/2021 द्वारा किया गया है। परिशिष्ट अपरसंलग्न है। खंड दो। मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड का उद्देश्य जोधपुर संभाग के माड़ा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय का सर्वोत्तम मुखी विकास करना है। जोधपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान एवं विकास के विषय में राज्य सरकार की स्थायी परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा इस संदर्भ में विशेष योजनाओं का निर्माण कर उन्हें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग / अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति प्रदान करने का अधिकार है। खंड तीन। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची परिशिष्ट अपर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लोगों के बारे में सरकार ने सोचा, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ मंत्री महोदय से कि आपने नाम तो रखा है जनजाति विकास बोर्ड, और जो आदेश में जो परिलक्षित हो रहा है वो सिर्फ एक परामर्शदात्री समिति है, और परामर्शदात्री समिति में भी 80% से ज़्यादा अधिकारी हैं, वो अधिकारी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसमें जन भागीदारी तो बिल्कुल हुई नहीं। जो आदिवासी अपने लिए क्या चाहते हैं वो उसमें हुआ नहीं। तो इसको एक बोर्ड के स्वरूप देकर सरकार क्या ये मंशा रखती है कि इसको बोर्ड का स्वरूप दे, जैसे अन्य बोर्ड बने हुए हैं, वैसे बोर्ड का अध्यक्ष भी कोई जनप्रतिनिधि हो, उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि हो, मेंबर भी जनप्रतिनिधि हो, तब तो इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। क्या सरकार ये मंशा रखती है कि इसको बोर्ड का ही स्वरूप प्रदान करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, संवेदनशील सरकार और सरकार की मंशा जनजाति विकास के लिए स्पष्ट रूप से दिख रही है, और वहाँ की परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनजाति बोर्ड का गठन किया है, और उस बोर्ड के गठन के बाद में माननीय अधिकारियों द्वारा समय पर बैठक भी की है। मैं उस संबंध में हमारे तमाम उदयपुर संभाग के 6 जिला कलेक्टरों और हमारे TAD के अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने बैठक करके वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए जो जालोर हो, पाली हो और कहीं सभी जिलों में जो छात्रों के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कहीं हॉस्टल भी स्वीकृत किए हैं, और आने वाले समय में समय समय पर वहाँ की आबादी और वहाँ की परिस्थिति को देख के इसको करेंगे। और जनप्रतिनिधियों का जहाँ तक सवाल है और उनका मनोनय होने के बाद में हम उनको भी परामर्श यात्री के रूप में लेंगे। अगला प्रश्न अमित सिंह बायल। दूसरा प्रश्न अगला प्रश्न अमित सिंह बायल। वो मनोनयन हुआ ही नहीं अभी तक, नहीं केवल अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं तो कितने करेंगे? प्रश्न संख्या 463। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, खंड एक। जी नहीं, वर्तमान में प्रदेश आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित नहीं है, अपितु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 माह फरवरी 2019 से संचालित है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 अक्षत योजना 31 जनवरी 2019 तक ही लागू थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ए पर उपलब्ध है। खंड दो। जिला रोजगार कार्यालय